हिंदू धर्म में वैसे तो कई तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें से कई त्यौहार महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन्हीं में से एक है रक्षाबंधन का त्यौहार, जो भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक है। बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन देश की सुरक्षा में हजारों बहनों के भाई दूर बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में तैनात है। ऐसे में इन भाइयों की कलाई सोनीदार है। इसीलिए खरगोन ज़िले के बमनला गांव की महिला मंडल ने सैनिक भाइयों के लिए रक्षा सूत्र यानी राखियां भेजी हैं। महिला मंडल की ममता सावनेर बताती है कि पिछले 3 वर्षों से गांव की लगभग 25 से 30 महिलाएं मिलकर राखियां एकत्रित कर रही हैं और हर साल बॉर्डर पर तैनात सैनिक भाइयों के लिए ये राखियाँ भेजी जा रही हैं। इस साल भी 30 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व है। इसी को देखते हुए महिला मंडल ने करीब 300 राखियां एकत्रित की है, जिन्हें डाक के जरिए सैनिक भाइयों के लिए भेजी है। आपको बता दें कि महिला मंडल साल भर कई गतिविधियों में शामिल रहती है। अभी श्रावण में भी महिला मंडल द्वारा बमलला गांव के करीब 40 शिवालयों में यात्रा निकालकर शिवलिंगों का अभिषेक किया था। अधिक मास में महिला मंडल द्वारा करीब 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाए गए थे। इसी कार्यक्रम के समापन अवसर पर महिला मंडल ने राखियां एकत्रित की और डाक के जरिए बॉर्डर पर तैनात सैनिक भाइयों के लिए भेजी है। महिलाओं का कहना है कि पूरे देश की रक्षा करने वाले भाइयों की कलाई सूनी कैसे रह जाए, इसलिए हम बहनों ने बीड़ा उठाया है कि हर साल भाइयों को राखियां भेजती रहेंगी। मैं श्रीमती ममता सोनेर बमनाला। आज हमारा कार्यक्रम बमनाला की मातृशक्ति बहनों का अधिक मास के महीने में सतत एक महीने से रोज पार्थेश्वर शिवलिंग का निर्माण करती हैं बहनें और रोज विसर्जन करती हैं वेदा नदी पर, और आज उसका समापन दिवस था। इस अवसर पर हवन किया गया, उसके बाद में विसर्जन के लिए शिवलिंग लेकर के गए, और साथ ही साथ हम बहनों ने सीमा पर जो हमारे भाई सैनिक भाई देश की रक्षा कर रहे हैं, जो हर त्यौहार पे अपने परिवार से अपने बहनों से दूर रहते हैं, उनके लिए उनकी कलाइयाँ सुनी न रहे, इसलिए हमने रक्षा सूत्र भेजे हैं सभी ने इकट्ठा करके। विगत 3 वर्षों से हम ये रक्षा सूत्र भेजते आ रहे हैं और आगे भी निरंतर हम ये रक्षा सूत्र भेजेंगे। दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोन।